गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर मकबैन वीडियो। और भाई, आज का वीडियो होने वाला है हमारा दाल राइस का। लेकिन ये ऐसी कैसी दाल नहीं है, ये है मेरे बचपन का प्यार वाली दाल, जिसको मैं हमेशा बोलती थी भूरी भूरी दाल बना लो घर पे। मैं हमेशा, इसका नाम होता है साबुत मसूर। ब्राउन कलर की दाल होती है, गोल गोल मोटी मोटी, तो ये बड़ी टेस्टी लगती है भाई खाने में। और तासीर इसकी एकदम ठंडी होती है, तो आप मस्त गर्मियों में एंजॉय कर सकते हो ये दाल। और मैं कितने सालों बाद खा रही हूँ, अब बोलो ये हर चीज़ को ये बोलती है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें बनती हैं ना इनके साथ रह के, तो ये बनती नहीं है चीज़ें। तो भाई बहुत दिनों बाद आज चावल तो बिल्कुल हलवा वाले बने हैं, एकदम ऐसे जो इनको पसंद है, लेके आए वो वाले थोड़े खिचड़ी बनती है, हाँ वो वाले। तो ये भाई बनाए हैं एक्स्ट्रा कुक वाले बनाए हैं डुक्कू के पसंद के। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से शूट कर लेते हैं, क्योंकि ये दाल इसने बहुत स्पाइसी बनाई है भाई। यस, तो आज होने वाला है थोड़ा सा स्पाइसी चना। और एक चीज और बता दूं, ये जो हरी मिर्च है ना इस बार की, ये धुआं काटने वाली हरी मिर्च है, बहुत तीखी है, बहुत ज्यादा तीखी है भाई। आज और ऊपर से शेजवान के साथ आज शुरू करेंगे भाई, मेरे को शेजवान नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत तीखी है ये। अपन तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, शेजवान तो भाई चाहिए, देखो शेजवान के बिना तो नहीं चल पाएगा, सॉरी। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ शेजवान में, वैसे भी भाई थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, प्लेट हो जा। आज चावल एकदम ऐसे हो रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे आपको पसंद है, जैसे गांव में नहीं बनते गुले गुले। गांव में तो एक एक दाना बनते हैं यार, चुप रहे, गुले गुले बनते हैं गांव में, इकट्ठे हो जाते हैं जो बाद में खिचड़ी बनती है ऐसी। ये देखो आज आती है ना ऐसे ऐसे बार दिखा रही है ऐसे, ये देखो गाइस इसके ऊपर रखने का, हां और ऐसे दिखाने का। आज तो भाई लड़ाई होने लगा है मामला, अपनी अपनी प्याज उठा लो, कोई लड़ेगा नहीं। दाल बनी है बहुत एकदम मजेदार, गांव के टेस्ट वाली। कम कम खानी पड़ेगी मिर्ची, क्योंकि बहुत तीखी है। कैबेज तो मेरी फेवरेट है ना। ओ भाई, इसके बिना कैसे गुजारा मेरा। तो थोड़ी सी मुझे भी दे दे, मुझे मत कहना बाद में मेरे पेट में वो हो गया, क्योंकि कैबेज थोड़ा कड़की है, ज्यादा नहीं ली मैं तभी। एक नंबर दाल हो रही है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल कम तो नहीं पड़ेगी। तो भाई जी ये देखो, दाल का कलर भी दिख रहा होगा आपको, रेड रेड, और शेजवान भी मिलाई है। लग रहा है दाल कम पड़ेगी। साथ में तो हरी मिर्ची भी ले रहे मेरी, फिर क्या
हो गया, क्यों खाई? कीड़े खाओ। ये वाली ज्यादा तीखी थी यार, पहली वाली नहीं थी इतनी। वो थोड़ी पतली थी ना। बड़ा मजा आया। कीड़ा थोड़ा कड़वा नहीं लग रहा? हल्का सा। नहीं तो खा के दे। नहीं तो बिल्कुल सही है। बहुत तीखी है यार। मैं नहीं खा पाऊंगी। मैं तो चटनी दाल बनाया के समझ गई थी उस दिन कि भाई ये सीधी सादी मिर्चियां नहीं है, तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए। सुना आपने डायलॉग? जी बताना कौन सी मूवी में है? पहले भी तो बोल चुके। क्या होगा बोलो और सही। आज हमें चटनी नहीं रखी कि ज्यादा हो जाएगा। थोड़ी हैप्पी थी। चावल तो नहीं लाने? चावल तो आई थिंक बहुत हो गया। दाल चाहिए। ऐसी बात नहीं है ना। देखो तो याद होगा तुम जान पूछ के। कसम से मुझे याद नहीं था। अभी उठोगे तो कर देना। ठीक है। टैटू बनवाए हैं। जो लोग हमारे ब्लॉग चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, उनको तो पता ही है। जो लोग नहीं करते भाई जाके कर लो। हमने न्यू टैटूज बनवाए हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है 21 जुलाई को और यशु मुझे 21 जून से और 21 जुलाई तक डेली मुझे यू नो गिफ्ट देगी। तो उसने जो पहला गिफ्ट मुझे दिया है वो एक टैटू बनवा के दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा शानदार टैटू है जो इस हाथ पे है। तो उसका आप ब्लॉग जाके ज़रूर देखना, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत स्पेशल है। तो वहाँ पे बर्थडे की पूरी सीरीज शुरू होने वाली है 1 महीने की। तो एंजॉय करो गाइस। और यहाँ पे भी भाई बहुत सारा प्यार दो क्योंकि दो भी आ गई। अब और तबाही हो जाएगी। हरी मिर्ची बस लाना तो ठीक है। लाऊं? नहीं।
ऑलरेडी तीखी दाल है और ये जो लाल मिर्ची है सूखी, ये भी बहुत नालायक है, ये भी बहुत। और भाई जिन भी लोगों को टेंशन रहती है कि हम ब्रेकफास्ट में इतना हैवी खा लेते हैं तो ना हमारा लंच कैसा होता होगा, हमारा डिनर कैसा होता होगा, सिर्फ हम ब्रेकफास्ट ही करते हैं, उसके बाद पूरा दिन हम 24 घंटे के लिए लिक्विड पे चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा लिक्विड लेते हैं। Yes. कोई भी स्मूथी, कोई भी हल्का फुल्का सा जूस, या फिर यू नो बेसिल सीड्स, इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, चिया सीड्स ऐसा, इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। कम सब्जी में चावल मिला के और कम कम सब्जी के साथ रोटी खाने को क्या बोलते थे आप? इसी से कर लेंगे, मतलब क्या बोलते थे आप उसको? बरकत। हाँ, जैसे घर पे कभी ऐसा कुछ हो जाए, इमीडिएट कोई आ गया, कुछ हो गया, यह है नहीं पुराने घर पे, तो ऐसा कर रहे थे, ये बोलते थे मेरे को, हम तो इसी में बरकत कर लेंगे, मतलब लाइक समझ गए होंगे आप, है ना। पूछना भूल गई उसको, डुकू मुझे खाते रहना है कि मैं रुक जाऊं? कह रही है तू खा ले, मेरी दाल ठंडी हो रही है, मैं तो खाऊंगी। देख लो भाई दाल का कलर, ज्यादा नहीं डालनी, मैं तो यहाँ डाल दो दाल थोड़ी सी और बस बस बहुत है, क्योंकि मेरे पास है दाल ऑलरेडी। मेरे से पता नहीं चावल खा जाएंगे कि नहीं वाले, देखते हैं। खाओ ऐसा लगता है प्याज से भी थोड़ा हैवी हो जाता है ना। ओब्वियसली क्यों ना हम इसको पूरे को मिला लें, क्यों आपको अपनी स्किल्स पे शक है? मुझे पता नहीं ना मैं खा पाऊंगी नहीं, ठीक है, इसलिए तो सारे मिल जाएंगे। तो आपको तो मजा आता है सारे चावल मिलाने में, ऐसे आता तो है ना। हाँ, लेकिन फिर मिला के आप उसको रख देते हो, छोड़ देते हो ना, पुरानी आ सकते हैं। और यार आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सही में कर दिया करो यार, यार ऐसे मत करो, ये देख रहे हो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह सुबह सलाद काटो। सब्सक्राइब से ना मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का, तो इसलिए कर दिया करो, कर देना, ठीक है। और भाई बिग बॉस भी चालू हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आए हैं इस बार के बिग बॉस में। Yes. तो बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली एंटरटेन होने वाला है, तो मज़ा आएगा देखने में। आप लोग बताना आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है इस बार के बिग बॉस में, तेरा कौन है? मेरे दो तीन हैं, जैसे मैं फेवरेट नहीं बोलूँगी, मैं उनको देखना चाहती हूँ कैसा करते हैं वो। मलिक फैमिली सेम मेरा भी, एंड शिवानी कुमारी मेरा भी, मुझे उनको देखना है, मेरे को देखना है एंडर कटारिया ऑल्सो। हाँ, मेरे को भी इन तीनों को चारों को मेन देखना है कि कैसा करते हैं ये।
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो मजा आने वाला है। यस, गिर गया गाइस, लोगों के कान फाड़े हैं क्या? इसमें चटनी खत्म होने वाली है, अगर आप बोलोगे झूठे हाथ लगाए हैं तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मेहमानों को नहीं देती मैं ये, मेहमानों को तो मैं अपने हाथ की बनाई हुई चटनी देती हूँ, है ना डुगू? थोड़ी चावल ले लीजिए, इतने से बचे हम खा लो बच्चे पे, बड़ा हो गया मेरा हो गया, तभी तो कह रही हूँ रैम खा लो। लाल मिर्च चाहिए? लाल मिर्च नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल दाल चाहिए। बस चल मेरे भाई, पहुँच दे। गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया, पहले पानी पिलाओ। आई होप गाइज, रुको, आई नॉट होप, आई नॉट होप, ये इतनी सी मिर्च को छोड़ दिखा ले। चल बोल ले अब। तो गाइज आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत मस्त लगा होगा, हमने जितना भी आपको बोल किया है सीसी की ये सब कुछ चप चप की आवाज़ें आप बहुत इंजॉय करोगे गाइज, तो हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब तो कर दो भाई प्लीज़। हाँ यार ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट का फूड हम यहाँ पे बैठ के खाएं या फिर उन्हीं स्टेट्स में जाके खाएं, तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा या ठीक है। चलो फिर अगली बारी मिलेंगे, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।